हेलो गाइस, वेलकम टू फुटबॉल एक्स्ट्रा। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कौन ऐसे प्लेयर हैं जो अक्टूबर में होने वाले बैलेंडियो को जीतने के लिए रेस में हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस साल का बैलेंडियो अक्टूबर में होने वाला है और उसको आने के लिए बहुत एक कंटेंडर है वो अभी से ही फिक्स होता है, क्योंकि अब ये सारे लीग के लास्ट के सब में सबका लीग लीडर और सबका टॉप फोर कुछ दिनों में पता चला जाएगा। तो इसके हिसाब से जो पांच ऐसे प्लेयर हैं जो कि बैलेंडियोर रेस में अभी भी मौजूद हैं वो हैं। तो नंबर फाइव पे मेरे हिसाब से आते हैं मार्कस रैशफोर्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि इस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने एक लीग कप जीत चुका है, फिर एफ ए कप में भी है, यूरोपा लीग में भी बार्सिलोना को हराया बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में, उसके बाद फिर वो अभी रियल बेटिस को भी हरा चुके हैं और वो अब स्टेज पे पहुंच गए हैं। अब उनका मैच सेविला से होने वाला है, तो और वो प्रीमियर लीग के टॉप फोर में भी है, जैसे देखा जाए तो प्रीमियर लीग के रेस में भी है, लेकिन वो रेस ही रहेगा, टॉप फोर ही रहेगा उनका फिनिश। मेरे हिसाब से वो टॉप थ्री रहेंगे, मेरे हिसाब से नंबर थ्री पर रहेंगे, फर्स्ट पे आर्सेनल है तो मैनचेस्टर सिटी, सेकंड पे वही और थर्ड पे आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो इस साल का मैनचेस्टर यूनाइटेड का फॉर्म और रैशफोर्ड का फॉर्म दोनों का इक्विवेलेंट है। जैसे कि देखा जाए मार्कस रैशफोर्ड इस बार रेड हॉट फॉर्म में है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड है। तो स्टैट्स का देखा जाए तो मार्कस रैशफोर्ड इस सीजन में 27 गोल्स और 7 असिस्ट रजिस्टर कर चुके हैं, जो कि अभी तक का उनका हाईएस्ट चल रहा है कोई भी एक मिड सीजन में। और वो 44 अपीयरेंस कर चुके हैं अपने, और उनका फिजिक वगैरह बहुत ही अच्छा चल रहा है, वो इंजरी प्रोन नहीं है इस साल, तो इन्हीं टाइम है उन्हें बहुत ही अच्छा यूज़ कर रहे हैं। तो बात करते हैं फिर नंबर फोर का मेरे हिसाब से है नापोली के स्ट्राइकर विक्टर ओसिमेन, जो कि इस साल बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। नापोली अपने सीरिए को लगभग जीत चुके हैं, 71 पॉइंट है उनका और लगभग उन्हें माना जाता है कि सीरिए का इस बार का चैंपियन है। और बहुत सारे यूट्यूबर को देखा जाए तो वो बोल रहे हैं कि नापोली इस सीजन में सबसे बेस्ट टीम माना जा रहा है। उनका मैच भी चैंपियन लीग में भी वो मौजूद है, उनका मैच इंटर मिलान से है, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर वो एक फाइनल में जा सकते हैं चैंपियन लीग के, और अगर कुछ ऐसा हो और वो जीत जाए तो भाई विक्टर ओसिमेन का बहुत ही बड़ा हाथ होगा। उनका प्लेइंग स्टाइल नापोली का बहुत ही अच्छा है, विक्टर ओसिमेन उसमें एकदम ढल चुके हैं, इनका लिंक भी हो रहा है बहुत ही क्लब से, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड, सिटी तो नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास इरलिंग हार्डन है, चेल्सी, रियल मैड्रिड जहाँ तक हो सकता है। तो उनका स्टैट्स देखा जाए विक्टर ओसिमेन का तो 29 अपीयरेंस में ही 25 गोल्स सॉरी और 4 असिस्ट इन्होंने रजिस्टर कर चुका है, और वो एक बहुत ही अच्छे कंटेंडर है टॉप 5 फिनिश के लिए। तो नंबर 4 पे अब आ जाते हैं, नंबर 3 पे मेरे हिसाब से होते हैं किलियन एम्बापे। जैसे कि हम सब जानते हैं कुछ महीनों पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ, और फीफा वर्ल्ड कप में जो फाइनल का परफॉर्मेंस था भाई साहब, उन्होंने गोल्डन बूट जीता, फाइनल में हैट्रिक स्कोर किया, गोल्डन बूट 5 गोल्स, लियो मेसी के 5 गोल्स से, तो दोनों को गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया, 5-5 गोल इच। तो देखा जाए तो लेकिन प्रॉब्लम पीएसजी और आपका किलियन एम्बापे का यही है कि वो इस साल चैंपियन लीग से बाहर हो चुके हैं, इसलिए मेरे हिसाब से वो 3 से 2 तो नहीं जाएंगे लेकिन 3 पे ही रहेंगे, मेरे हिसाब से 3 पे ही फिनिश करेंगे वो। चैंपियन लीग बहुत बड़ा फैक्टर होता है कोई भी प्लेयर के लिए। तो उनका गोल टैली और असिस्ट दिया देखा जाए तो 33 अपीयरेंस में 31 गोल और 7 असिस्ट है उनका। तो अब बात करते हैं नंबर 2 का। नंबर 2 पे आते हैं हमारे वन एंड ओनली प्रीमियर लीग के टॉप स्कोरर इरलिंग हालैंड, जो कि मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर हैं। उनके पास बहुत ही अच्छा फॉर्म है इस साल का, मतलब कि मानो देखा जाए तो वो बीस्ट है प्रीमियर लीग में, वो प्रीमियर लीग में सारा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, मतलब उनसे अच्छा स्ट्राइकर अभी प्रीमियर लीग में कोई नहीं है। वो अभी मैनचेस्टर सिटी, अभी बायर्न म्यूनिख से भी खेलने वाले हैं, एफसी बायर्न म्यूनिख से खेलने वाले हैं, तो वो एक बहुत ही इम्पैक्ट होगा कि वो क्या वो
टू से नंबर वन पे जा सकते हैं या नहीं। तो नंबर वन पे हम अब जाना चाहते हैं तो वन एंड ओनली लियोनेल मेसी, जो हाल ही में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता है और वो बहुत ही खुश है अपने फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल्डन बूट भी शेयर किया है, किलियन एम्बापे से 5-5 गोल दोनों स्कोर किए थे और वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे। अर्जेंटीना टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में थी और वो पर हालांकि वो हमारे चैम्पियन लीग से बाहर हो चुके हैं, लेकिन देखा भाई भाई चैम्पियन लीग एक बड़ा फैक्टर उनके लिए नहीं होगा क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप वो अपने बदौलत जिता चुके हैं। उनका अपीयरेंस और गोल देखा जाए तो 32 अपीयरेंस में 18 गोल और 17 असिस्ट है। वो एक नंबर 10 के रोल में भी पीएसजी को बहुत ही अच्छा उसका मदद कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये हो गए 5 प्लेयर और मेरे हिसाब से नंबर 1 पे तो लियोनेल मेसी ही और उनका 8th बैलेंडियोर आ रहा है। आप बताइए आपके हिसाब से कौन बैलेंडियोर जीतने वाले हैं, कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू फुटबॉल एक्स्ट्रा।